हेलो यार गाइस, गुड मॉर्निंग। द ओके मिरेकल ऑफ इंग्लिश वेलकम्स यू। दिस इज ओमकार सिंह। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि द ओके मिरेकल ऑफ इंग्लिश मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी दें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि प्रत्येक बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप देख रहे हैं क्लास टेंथ हाई स्कूल इंग्लिश 20 एम्स की क्यूज 20 मार्क्स, एक क्वेश्चन एक नंबर का, मतलब 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, बेस्ड ऑन प्रोज पर आधारित होगा, पोइट्री पर आधारित होगा, सप्लीमेंट्री रीडर, वोकेबलरी और आपका ग्रामर पर आधारित होगा। तो हम एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं। चलिए आज हम इसका महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन। ओके मिरेकल ऑफ इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज 17 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन फर्स्ट फ्लाइट प्रोज सेक्शन से ही, दो पार्ट हमने पहले अपलोड कर दिए हैं और आज ये पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इज फ्रॉम, 4 ऑप्शन इज गिवन हियर आर गिवन हियर। यस, करेक्ट आंसर इज कुर्ग, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जो हमारे इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे वो कुर्ग से थे। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, कुर्ग कहाँ पर है, कहाँ बसा हुआ है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कर्नाटक, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कुर्ग कर्नाटक में सिचुएटेड। क्वेश्चन 3, ब्लैंक दिया है, रिवर ऑब्टेन्स वाटर फ्रॉम कुर्ग, 4 ऑप्शन, यस कावेरी, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। कावेरी रिवर जो है कुर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज हियर, व्हाट आर द एक्टिविटीज अवेलेबल इन कुर्ग, कुर्ग में कौन कौन सी एक्टिविटीज उपलब्ध हैं। 4 ऑप्शंस हैं, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन वाइकिंग, कॉनिंग। तो ये सब, ऑल दीज अर्थात सभी प्रकार की एक्टिविटीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल दीज सभी प्रकार की एक्टिविटीज कुर्ग में अवेलेबल हैं। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, राजवीर और प्रांजल कहाँ पर अध्ययन करते थे, कहाँ पर पढ़ाई करते थे। 4 ऑप्शन इज आर हेयर, तो ये दिल्ली में स्टडी किया करते थे, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दिल्ली। 6th क्वेश्चन, द वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर डेरिव फ्रॉम, चाय और चीनी ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं। यस चाइनीज, ये दोनों ही वर्ड क्या हैं, चाइनीज हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, चाइनीज।
सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज आसाम पॉपुलरली नोन एस, आसाम किसके लिए विख्यात है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आसाम चाय के लिए विख्यात है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, राजवीर बास ए फैन ऑफ, राजवीर किस चीज का शौकीन था? चार ऑप्शन दिए हैं। राजवीर डिटेक्टिव स्टोरीज का काफी शौकीन था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिटेक्टिव स्टोरीज। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, वल्लीज फुल नेम इज, वल्ली का पूरा नाम, ए बी सी डी, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। वल्ली का पूरा नाम वल्ली अम्माई, ए ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी ऑप्शन भी पढ़ लीजिए। वल्ली वास ब्लैंक ईयर्स ओल्ड, कितने साल की थी? ए बी सी डी ऑप्शन, चारों में से कोई सा ऑप्शन सही ऑप्शन आपको चुनना है, तो एट ईयर्स, वल्ली वाज एट ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन नंबर अलेवेंथ, हाउ मैनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस वल्लीज स्ट्रीट पर आवर, प्रत्येक घंटे में वल्ली की गली से बस कितनी बार गुजरती थी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। टू टाइम्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट, टू टाइम्स, दो बार गुजरती थी। क्वेश्चन ट्वेल्थ, व्हाट वाज द फेयर ऑफ वन वे फ्रॉम द विलेज टू द टाउन, गांव से कस्बे के लिए एक तरफ का फेयर अर्थात किराया कितना था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। यस 30 पैसे, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 30 पैसे, एक तरफ से गांव से कस्बे का जो किराया था वो 30 पैसे था। 13 क्वेश्चन, व्हाट वाज गौतम्स अर्ली नेम, गौतम का पहला नाम क्या था? तो गौतम का पहला नाम सिद्धार्थ था, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, गौतम्स अर्ली नेम बाज सिद्धार्थ था। यस क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर, यस हाउ ओल्ड वाज सिद्धार्थ व्हेन ही रिनाउंस्ड द रॉयल लाइफ, जब सिद्धार्थ ने अपने जीवन का जो रॉयल लाइफ था उसके लिए रिनाउंस किया था, तो उसकी उम्र कितनी थी? यस उनकी उम्र 25 ईयर्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट, उस समय 25 ईयर्स ओल्ड थी। 15th क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड सिद्धार्थ गेट एनलाइटनमेंट, कितने दिनों बाद सिद्धार्थ के लिए ज्ञान की प्राप्ति हुई? 7 डेज, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, 7 दिन बाद सिद्धार्थ ने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। 16 क्वेश्चन, वेयर डिड सिद्धार्थ डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन, सिद्धार्थ ने अपना पहला उपदेश कहाँ डिलीवर किया था? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो पहला उन्होंने जो अपना सर्मन डिलीवर किया था वो कहाँ था? बनारस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बनारस। 17th क्वेश्चन और स्लाइड का ये अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नेम द ट्री, उसके नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, वह उस पेड़ का नाम क्या था? यस बोधि ट्री, सी उस पेड़ का नाम बोधि ट्री
हो गया था। तो गाइस ये हमने भली भांति समझ लिया, दो बार कम से कम वीडियो को देखिए, निश्चित रूप से आप अच्छा कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स लेंगे। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स। जय हिंद।